हेलो नमस्कार भाइयों, देखिए आज मैं आपको बता रहा हूँ ब्रास प्लेटिंग के बारे में। स्टील के ऊपर ब्रास प्लेटिंग हम कैसे करें, तो ये पूरा प्रोसेस सीक्वेंस है, आप देखिए मैंने लिख के ये लगा दिया है। लैंग्वेज प्रॉब्लम कुछ लोगों को होती है, उसके लिए इसमें पूरा प्रोसेस सीक्वेंस पूरा है। पहले इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीनिंग करनी पड़ेगी, वॉशिंग करनी पड़ेगी, न्यूट्रलाइजेशन मतलब जो इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीनिंग प्रॉपर वॉश हो जाए, प्रॉपर उसका असर ना रहे, उसका कोई रेजिड्यू ना रहे, इसलिए न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है 5% H2SO4 में। एंड देन वॉशिंग, निकल स्ट्राइक कंपोजिशन आगे है 150 ग्राम पर लीटर निकल क्लोराइड, 60 ml पर लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूरेटिक एसिड भी इसको बोलते हैं। वॉशिंग ब्रास प्लेटिंग 150 ग्राम पर लीटर ब्रास साल्ट एंड 4 ग्राम पर लीटर अमोनियम क्लोराइड वॉशिंग, एंड देन एंटीटानिस। एंटीटानिस इसलिए करते हैं कि ब्रास बहुत जल्दी कलर चेंज कर जाता है, उस पर धब्बे आ जाते हैं, तो इसलिए ये पूरा प्रोसेस देखिए। और ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अब इसमें और हमें चाहिए होता है क्या क्या एसेसरी चाहिए होंगी हमें, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये इसमें मैंने एसेसरी लिखी हुई हैं एक कार्ड पर, तो ये आप देख सकते हैं। इसमें जो रिक्वायर्ड केमिकल्स हैं या जो भी इंस्ट्रूमेंट कहें एसेसरी कहें आप, वो सारा मैंने लिखा है। देखिए एक तो रेक्टिफायर ही चाहिएगा पहले, जो छोटा रेक्टिफायर 12 वोल्ट 50 एम्पीयर का है। हॉट प्लेट चाहिएगी जो केमिकल होता है उसको गर्म करने के लिए। एक वेगिंग मशीन चाहिए, बैलेंस चाहिए केमिकल को वेट करने के लिए। बोरोसिल ग्लास के बीकर चाहिए केमिकल को गर्म करने के लिए, उसमें केमिकल डाल के गर्म किया जाएगा। स्टैंडर्ड रॉड चाहिए ग्लास की केमिकल को मिक्स करने के लिए। क्लीनिंग सॉल्ट चाहिए क्लीनिंग करने के लिए। निकल क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए स्ट्राइक निकल स्ट्राइक बनाने के लिए। ब्रास सॉल्ट चाहिए, अमोनियम क्लोराइड चाहिए, ये दोनों एक साथ डालेंगे। SS 316 के एनोड चाहिए, ब्रास के एनोड चाहिए और निकल का एनोड चाहिए। मैं एक करके आपको दिखाता हूँ, ये मैंने सारा अरेंज किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इधर देखिए, सबसे पहले ये मेटल क्लीनर है, इसमें जो बॉक्स है मेटल क्लीनर है, इसमें मेटल क्लीनर है। ये निकल क्लोराइड है, देन ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे म्यूरेटिक एसिड भी कहते हैं। एंड देन नेक्स्ट आपका है अमोनियम क्लोराइड एंड ब्रास साल्ट फॉर प्लेटिंग एंड दिस इज द बोरोसिलिकेट ग्लास बीकर 2 नंबर्स ओके। एंड हियर इज द स्टील एनोड SS 316, ब्रास एनोड एंड निकल एनोड एंड दिस इज द स्पेसिमेन पीस। इसके ऊपर हम ब्रास प्लेटिंग करके आपको दिखाएंगे। मैट पीस है, चमक इस पर ज़्यादा नहीं है, ब्रास की अपनी चमक कुछ नहीं होती है, बट हम आपको कलर ब्रास का किस तरह से आता है, किस तरह हम कोटिंग करते हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। ओके, ये ब्रास साल्ट हमने वेट किया है, ब्रास साल्ट इज द बेस केमिकल एंड वी कैन वेट प्रॉपरली 75 ग्राम पर लीटर। नाउ वी एड 2 ग्राम पर लीटर 4 ग्राम पर लीटर अमोनियम क्लोराइड, मीन्स 2 ग्राम इन 1/2 लीटर केमिकल।
2 gram ammonium chloride, total 77 gram in half liter electrolyte, half liter water, and you can say half liter chemical of brass plating. ये रेक्टिफायर है, आप देख सकते हैं। इसमें हमने क्लीनिंग के लिए अभी वोल्ट थोड़ा बढ़ाया हुआ है, 2 वोल्ट किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास छोटा पीस है, इट्स वेरी स्मॉल पीस। अभी हम इसको इलेक्ट्रोलाइट क्लीनिंग करेंगे। इज द स्टेनलेस स्टील एनोड एंड इज द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ क्लीनिंग। Only for 30 second. This process is complete, and after the process, we can wash it properly. We can change the connection of anode of the next process. Next process is nickel strike. Only 50 second maximum. And proper washing. You can wash it properly. इसको हमें सही से बिल्कुल वॉश करना है। आप देखेंगे इसके ऊपर निकल आ चुका है पीस के ऊपर। अब इसमें ब्रास करेंगे। ब्रास के लिए हमें जो वोल्टेज है, जो करंट है, वो बहुत कम करना पड़ेगा। तो कम कम कर रहे हैं फिलहाल, और हम ब्रास करेंगे। ब्रास के लिए हमें ये कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा। इसमें डिपेंड करता है कि हम कितनी मोटी कोटिंग चढ़ाना चाहते हैं। आप देखेंगे ब्रास कोटिंग आने लगी है इसके ऊपर। अभी आपको पूरा पीस ब्रास हो जाएगा तो आपको क्लियर दिखाई देगा।
देखिए पूरा ब्रास इसके ऊपर आ चुका है, स्टील से ब्रास का हो गया है ये। देखिए पूरा पीस ब्रास का हो गया है, अब गौर से देखिएगा स्टील से पूरा ब्रास हो गया है। तो ये आप घर पर ट्राई कर सकते हैं। ब्रास की अपनी चमक कुछ नहीं होती है, अगर आप ब्रास प्लेटिंग करेंगे तो पीस को पहले ही आपको चमक करनी पड़ेगी, उससे पहले आपको निकल प्लेटिंग करनी पड़ेगी। ये स्टील के पीस पर हमने बताया आपको ब्रास कैसे करना है, तो ये आप अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं। और इसमें अगर कोई आपको समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर कोई भी पूछ सकते हैं कुछ भी। थैंक यू, धन्यवाद।